फ्रेंड्स, ये हमारी है अरबी। और तो आज हम मैं आपको अरबी की सब्जी बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से आप एक अरबी को लाकर छीलकर किस तरीके से एक नई रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से मार्केट में आपको मिल जाएगी। आगे का दिखाती हूँ। तो आपको इसको काटने के बाद आपको इस तरीके से ये छील कर रख लेनी है। छीलने के बाद आपको इसमें नमक लगा देना है। देखिए, मैंने नमक लगा रखा है, साइडों में आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आपको ऐसे ही साबुत काट कर और इसमें नमक लगा कर रख देना है। तो इसी प्रोसेस से मैं आपको पूरी जो रेसिपी है वो बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको एक अच्छी डिश तैयार करेंगे इससे। तो चलिए बताती हूँ आगे। ये हमारी जो अरबी है वो मैंने धोकर रख दी है। अब इसको धोकर आपने इस तरीके से साफ अरबी को इस रख लेना है एक थाली के अंदर करके। इसी तरीके से आप इसको निकाल लीजिए और उसके बाद की जो प्रोसेस है वो देख लीजिए आप। अब ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें जो ये हमने अरबी रखी हुई है इसको अब हम फ्राई करने के लिए, थोड़ा सा देखिए ये कटा हुआ प्याज चाहिए। प्याज आप चाहे तो आप मिक्सी भी कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप ऐसे क्रश भी कर सकते हैं, थोड़ा हैंड मिक्सी आती है उसमें। और ये हमारे टमाटर हैं, ये भी रेडी है। और आगे दिखाती हूँ इसमें आपको किस तरीके से क्या क्या डालना है। तो देख लीजिए, मैंने इसमें जितना मुझे तेल डालना है उतना तेल मैं पहले डाल चुकी हूँ। उसके आगे आपको दिखाती हूँ कि क्योंकि जब तक हम वेट करेंगे तब तक हमारा तेल गर्म होता है। बस ये देखिए, मैंने नमक पहले ही डाल दिया है। तेल गर्म होने से पहले हमें नमक डालना होता है, तो ये नमक डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मेथी, दानेदार मेथी हम इसमें। अब हमारी मेथी हो चुकी है, देखिए थोड़ी सी डाल रहा हूँ। तो अब इसमें हम डालेंगे प्याज। ब्राउन कर लेनी है। जब ये ब्राउन हो चुके अब देखते हैं आगे। अब ये देखिए हमारा मसाला भी रेडी है। तेल हमारा ये दिखाई दे रहा होगा आपको। अब ये हमारा मसाला हो गया है रेडी। तो अब इसमें हम डाल देंगे अरबी। अब जो ये हमारी अरबी देखिए हो चुकी है, मैंने गैस कर दिया है। अब ये भुनकर है तो अब इसको हम इसी तरीके से मसाले में डाल देंगे। Thank you.
जितने भी रखने हैं मैरून है, आपको ब्राउन करने हैं आप उसके हिसाब से कर लीजिए। और फिर ये सारी इसमें डाल दीजिए। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं पानी डाल चुकी हूँ और इतना ही पानी आपने डालना है जितना आप इसको ये देखिए ये अच्छे से ये इतना ही पानी रखूंगी और उसके बाद ये हमारी तैयार हो जाएगी। उसके बाद दिखाती हूँ। अब हमारा मैंने कुकर कर दिया है बंद। अब इसमें 2 सीटी लगाएंगे उसके बाद इसको खोल कर देखेंगे। दिखाती हूँ किस तरीके से हमारी अरवी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए आप देख सकते हैं इसका फ्लेवर कितना अच्छा फ्लेवर आया है इसका। तो अगर आप भी इस तरीके की अरवी बना खा कर देखिएगा, ज़रूर बनाकर कि आपको पता लगेगा इसका टेस्ट कैसा है।